हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे कि सॉकेट्स कितने टाइप के होते हैं। आपने कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का या कुछ ऐसा सॉकेट्स वगैरह जरूर देखा होगा। तो हम ये अलग अलग टाइप्स के सॉकेट्स को क्या कहते हैं और इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं वो हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा कि ये सॉकेट्स हैं और ये इस टाइप के सारे अटैचमेंट्स के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर और ये इस टाइप से यूज़ करते हैं इसको हम कहीं पे नट बोल्ट खोलने के लिए। ये सब इसके लिए एक अलग सा 31 मई को मैं वीडियो डालूंगा जिसमें सिर्फ रैचेट हैंडल के बारे में होगा सेपरेट वीडियो। यहाँ पे हम सिर्फ सॉकेट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि स्क्वायर ड्राइव क्या होता है। हमने अगर आपको नहीं पता है स्क्वायर ड्राइव तो मेरा एक वीडियो है जो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आपको आ रहा होगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बाद में वीडियो का लास्ट में भी दिखेगा। और हमें पता है कि 12.6 पॉइंट हैक्स बाई हैक्स क्या होते हैं सॉकेट्स, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी। स्टैंडर्ड सॉकेट्स और डीप सॉकेट्स भी हमें पता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सॉकेट्स की लेंथ कम होती है, डीप की ज़्यादा होती है, तो ये भी हमें पता है। तो क्योंकि अभी हम जो प्रोडक्ट मतलब जो भी देखेंगे उसमें ये सब काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कहलाता है स्टैंडर्ड सॉकेट्स। जो नॉर्मल सॉकेट्स आपने देखा होगा मार्केट में इस टाइप का, उसको सिंपली स्टैंडर्ड सॉकेट्स बोलते हैं या उसको सॉकेट्स भी बोलते हैं। ये तपाड़िया का कुछ है, काफ़ी पॉपुलर है इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट है। और तपाड़िया क्या करता है, पहले सॉकेट्स बनाता था नॉर्मल सॉकेट्स, फिर बाद में इन्होंने क्या किया, एक लेस थिकनेस का, यहाँ पे देखेंगे इसका जो है ना वॉल का थिकनेस जाता है, कम थिकनेस का एक सॉकेट लेके आ गए पूरा इकोनॉमिकल में, उसको एक्सल सॉकेट नाम डाल दिया। एक्सल सॉकेट का मतलब कुछ नहीं, वो भी स्टैंडर्ड सॉकेट ही है। जस्ट मैं एक डाउट क्लियर कर रहा था, अगर तपाड़िया का कभी आपने देखा होगा तो। इसको सेलो सॉकेट भी बोलते हैं, सेलो सॉकेट भी बोलते हैं, सीधा सॉकेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड सॉकेट किसी भी स्क्वायर ड्राइव का हो सकता है, हाफ इंची, ठीक है, 1/4, 1 इंची, 3/4 किसी भी। और ये 6 पॉइंट भी हो सकता है और 12 पॉइंट भी हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड सॉकेट्स के चीज़ें हैं। 6 पॉइंट भी हो सकता है, 12 पॉइंट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं। अगला है डीप सॉकेट। डीप सॉकेट जनरली क्या होता है, कोई भी स्टैंडर्ड सॉकेट लेते हैं ना उससे लगभग 1 इंच लंबा होता है, उसी साइज का डीप सॉकेट। तो डीप सॉकेट आप जब भी लेते हैं जनरली मैंने देखा है कि 75 से 79 mm तक के आसपास होता है, जो नॉर्मली 32 mm तक के सॉकेट यूज होते हैं ना उसमें। तो ये डीप सॉकेट कहाँ पर यूज होते हैं आप देखिएगा, जैसे 13 mm का स्टैंडर्ड सॉकेट है वो इतना बड़ा है, लेकिन 13 mm का ही डीप सॉकेट है इतना लंबा है। और इसको क्या है कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ANSI और DIN, जो इंटरनेशनल बॉडी है जो ये सब डिफाइन करती है कि सॉकेट का स्क्वायर ड्राइव क्या होगा, कैसे बनेगा, ये डिज़ाइन वो फॉलो करके ये लोग बनाते हैं, ठीक है। कई लोग अपने हिसाब से भी बनाते हैं, सेमी डीप, ठीक है, डीप, सेमी डीप और स्टैंडर्ड करके। आपको दिखाता हूँ, देखिए जहाँ पे क्या है कि ये स्क्रू बहुत लंबा हो, छोटा सॉकेट क्या होगा अटक जाएगा बीच में, तो उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। इट कैन बी स्क्वायर ड्राइव, ये किसी भी स्क्वायर ड्राइव का हो सकता है, हाफ इंची, 1/4, किसी भी स्क्वायर ड्राइव का हो, किसी भी पॉइंट का हो सकता है, 6 पॉइंट भी हो सकता है, 12 पॉइंट भी हो सकता है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक, देखिए। उसके बाद क्या है, स्प्लाइन सॉकेट। ये स्प्लाइन सॉकेट क्या होता है आपने देखा होगा, इस टाइप का होता है, ये 12 पॉइंट नहीं है, स्प्लाइन का शेप है ये। इसका बेनिफिट क्या है हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक मैं दूसरा लुक दिखा रहा हूँ इधर, ठीक है। ये इस टाइप के सॉकेट्स को स्प्लाइन सॉकेट कहते हैं और ये यूज होता है कहाँ पे आप देखेंगे। इस सॉकेट के एक एडवांटेज है कि 12 पॉइंट सॉकेट से ज़्यादा फोर्स ये जनरेट करती है जब भी किसी नट और बोल्ट को, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है इसने डिलीवर द ट्वाइस द टॉर्क ऑफ 12 पॉइंट, तो 12 पॉइंट से सीधा डबल फोर्स, उतनी फोर्स मतलब ज़्यादा इसमें ये फीड करती है किसी नट बोल्ट को खोलने के लिए। लेकिन इसका जो मैक्सिमम यूजेज होता है कि मान लीजिए आपके पास हैक्स नट हो तब तो बाकी सबसे खुल जाएगा, लेकिन इस शेप का नट हो तो क्या करेंगे, ऐसे 5 कोना वाला नट हो तो क्या करेंगे, या किसी डिफरेंट और साइज का नट हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए ये स्प्लाइन सॉकेट यूज होता है। और ये देखिए किस तरीके से फंस जाता है, देखिए स्क्वायर हो गया, ये हो गया, तो ये सब क्या होता है स्प्लाइन सॉकेट्स में लगते हैं। स्प्लाइन सॉकेट वहीं पे यूज होता है जहाँ पे शेप ना थोड़ा अलग हो, नॉर्मल हैक्स नट ना हो, कुछ और हो, तो इस टाइप के स्प्लाइन सॉकेट यूज होता है, ठीक है। ये भी किसी भी स्क्वायर ड्राइव का हो सकता है, ये 12 पॉइंट भी हो सकता है, 6 पॉइंट भी हो सकता है, हैक्स और बाई हैक्स भी हो सकता है। स्प्लाइन सॉकेट का जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए इधर, देखिए ये बाहर का स्ट्रक्चर है, ये किस तरह से फंस गया है अंदर, ये नट का जो हेड है यहाँ पे देखिए किस तरीके से लगा हुआ है, 4 पॉइंट वाला अगर स्क्रू का या नट का हेड है तो किस तरह से इसमें टाइट हो जाएगा ये। तो ये सारी चीज़ें स्प्लाइन में पॉसिबल है, नट का अगर हेड अलग अलग शेप साइज का होगा तो।
टॉक सॉकेट, टॉक सॉकेट क्या होता है, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये 12 पॉइंट या स्प्लाइन नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं एक और दिखाता हूँ इस तरीके से, और इसका एक और शेप दिखाता हूँ, देखिए इस तरीके से स्टार डिजाइन बना होता है। ये टॉक सॉकेट भी क्या करता है, अच्छा फीड देता है, ठीक है, ये फीड ज़्यादा बढ़िया देता है, मतलब जब भी नट बोल्ट खोलने के लिए, ठीक है। और इसके लिए जो जो स्क्रू के हेड इस टाइप के होते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये दोनों देखिए इसके ऐसे वाले हेड हैं, तो ये नॉर्मल सॉकेट से नहीं खुलेंगे, टॉक सॉकेट से ही खुलेंगे। ये टॉक्स वाला सॉकेट है, ये टॉक्स का भी अलग अलग शेप साइज होता है, T10, T12, T30, इसका हम कभी और समझेंगे। नॉर्मली आज हम टॉक्स के सॉकेट्स के बारे में देखते हैं, जिसको टॉक सॉकेट बोलते हैं। जितने नंबर का चाहिए उतना नट होगा, उतने नंबर का मार्केट से ले आएंगे। ये भी किसी भी स्क्वायर ड्राइव का हो सकता है, ठीक है, और इसमें ठीक है ये किसी भी स्क्वायर ड्राइव का हो सकता है। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए यूनिवर्सल सॉकेट, यूनिवर्सल सॉकेट कुछ ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, ये लेफ्ट राइट आगे पीछे किसी भी एंगल में ये घूम सकता है। ये कब होता है, जब जहाँ पे हम पहुँच नहीं पाते, नट बोल्ट खोलने में दिक्कत होती है। जैसे देखिए देखिए नॉर्मली ये क्या होगा, सीधा लग होता, लेकिन ये अब देखिए एंगल पे आ गया, तो यानी थोड़ा सा टेढ़ी जगह पे या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच रहा है, डायरेक्टली ये टेचेट हैंडल नहीं लगेगा, वहाँ पे भी हम इसका यूनिवर्सल ज्वाइंट बीच में लगा के हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये पीले वाले का एरिया के अंदर क्या है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे नट बोल्ट लगाने में दिक्कत होता, तो ये इन्होंने इस टाइप से ये सॉकेट इसमें लगा दिया है, और इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ पे फीड होगा और काम चलेगा, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे भी देख लो आप, ये भी इधर जगह नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने ये सॉकेट्स यूज़ करे, यूनिवर्सल सॉकेट एंगल पे यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जनरली यूनिवर्सल सॉकेट डायरेक्टली यूज नहीं होता है, ये सॉकेट का नीचे वाला भाग है वो जाता है इस रैचेट के अंदर, और जो ऊपर वाला भाग में सॉकेट ये लगता है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें लग जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला होता है इंपैक्ट सॉकेट। इंपैक्ट सॉकेट आपने ऐसा देखा होगा, ये ब्लैक कलर का एक सॉकेट भी मार्केट में देखा होगा, ये आपका इंपैक्ट सॉकेट है। ये इंपैक्ट सॉकेट में क्या है कि अब देख सकते हैं ऐसे टाइप का दिखता है, इसका एक्सटेंशन बार भी आता है और अलग अलग चीज़ें आती है। इंपैक्ट सॉकेट नॉर्मल सॉकेट में डिफरेंस क्या होता है कि इसके वॉल का जो थिकनेस है ना, मोटाई, वो ज़्यादा होता है, और ये हाथ से यूज नहीं होता। ये देखिए ये ना इस टाइप के मशीन से या यूज होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फोर्स लगता है मशीन में, इसीलिए ऐसे सॉकेट बनाए जाते हैं। इसमें देखिए इस सॉकेट में स्टैंडर्ड सॉकेट है, इसमें वॉल की मोटाई, जो सॉकेट की मोटाई है, दीवार की पतली है, यहाँ पे मोटी है, तो इसमें यूज होता है, तो इम्पैक्ट सॉकेट होता है ब्लैक कलर का। और यहाँ पे जो आप रिंग जैसा देख रहे हैं, इसमें वो रिंग लगाने की जगह होती है कि ताकि फिसले नहीं, और नहीं भी लगा सकते हैं, अलग अलग है, लगा सकते हैं तो बेहतर है। और अगर हम इस मशीन में जो मशीन के साथ इंपैक्ट मशीन के साथ हम इंपैक्ट सॉकेट ही यूज करेंगे, स्टैंडर्ड सॉकेट यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इंपैक्ट सॉकेट में डीप सॉकेट्स भी आता है, ये भी किसी भी स्क्वायर ड्राइव के हो सकते हैं। स्क्रू बिट सॉकेट्स क्या होते हैं, जनरली आपको स्क्रू खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर्स आते हैं, लेकिन आपको रैचेट हैंडल से या मशीन से खोलने हैं तो इसके लिए ये जनरली देखिए इस टाइप के स्क्रूज आते हैं, लेकिन ये सॉकेट्स की फॉर्म में भी आते हैं। अगर मान लीजिए इसको सॉकेट की फॉर्म में बना देंगे तो ये हो जाएगा आपका फिलिप्स बिट सॉकेट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टॉक्स बिट सॉकेट, ठीक है, ये अगला हो जाएगा आपका, देखिए स्लॉटेड है तो स्लॉटेड बिट सॉकेट, ठीक है, और ये जो है हेक्स एलएन की से जो नट बोल्ट खुलता है उसके लिए क्या हो गया, हेक्स बिट सॉकेट। तो ये चीज़ें हो गई स्क्रू बिट सॉकेट में, या सीधा बिट सॉकेट बोलते हैं या बिट ड्राइवर सॉकेट बोलते हैं, तो अलग अलग नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स के सॉकेट्स भी होते हैं जो आगे हम देखते हैं, जो कि ऐसे मैंने क्लासिफिकेशन बनाया। एक पास थ्रू सॉकेट्स होता है, मान के चलिए नट अगर ऐसा है कहीं पे, तो इसको इजीली नॉर्मल सॉकेट से आप खोल लोगे, लेकिन मान के चलिए अगर ऐसा बड़ा सा एक नट है और यहाँ पे जहाँ पे येलो लाइन है यहाँ तक इसको टाइट करना है, तो ये तो फंसेगा। अगर डीप सॉकेट यूज करते हैं तो मान के चलिए डीप सॉकेट भी इतना लंबा नहीं आता है, मान लीजिए इससे भी लंबा है थ्रेड, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास आता है पास थ्रू सॉकेट्स। इसके देखिए ये रैचेट हैंडल है, इसके पीछे सॉकेट्स लग जाता है, देखिए आर पार हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ, देखिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, नीचे सॉकेट है, इसमें लगा के और यूज होता है, इस सॉकेट के बाहर में एक ड्राइव बना हुआ होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 12.6 पॉइंट सभी हैं, ठीक है, डीप सॉकेट्स भी इसके आते हैं, लेकिन ये पास थ्रू है, यानी आर पार सॉकेट्स के निकल सकता है, तो ये काम को ईजी बना देता है, तो ये वाले एक चीज़ है।
आगे बढ़ता है यूनिवर्सल सॉकेट। हमने आगे देखा था यूनिवर्सल ज्वाइंट सॉकेट, यहाँ पे यूनिवर्सल सॉकेट। ये क्या होता है कि एक नया आइडिया है। ये इसमें क्या है कि एक इस टाइप का पिन टाइप का होता है जो अगर आप दबाओगे तो अंदर घुस जाएगा स्प्रिंग से। ये किसी भी शेप का नट का साइज ले लेगा और जो बचा हुआ है इधर ही रह जाएगा। तो इसको नट बोल्ट खोलने में यूज होता है। कुछ मार्केट में कुछ आता है इस टाइप का, मैं रियलिटी में कभी नहीं देखा लेकिन मैंने यूट्यूब वीडियोज वगैरह में काफ़ी देखे हैं। ये अच्छा आइडिया है, यूनिवर्सल सॉकेट है, यानी किसी भी शेप का नट हो इसके अंदर डाल दो और इसको घुमा दीजिए। उसके बाद स्पेशल टाइप्स ऑफ सॉकेट्स में आ जाते हैं, एक टी हैंडल सॉकेट्स भी बोलते हैं। ये सॉकेट परमानेंटली फिक्स होता है टी हैंडल में, आपने देखा होगा बाइक साइकिल रिपेयर वालों के पास, जिसको टी हैंडल सॉकेट्स बोलते हैं। एक लंग सॉकेट होता है, आपने गाड़ी वाड़ी खोलते हुए कभी कभी ऐसा देखा होगा। ये ऐसा भी होता है या क्रॉस शेप का होता है जो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लंग रिंच बोलते हैं। ये रिंच भी है और सॉकेट की फॉर्म में है, परमानेंटली फिक्स, इसलिए इसको लंग रिंच या सॉकेट के कैटेगरी में ये आता है। आगे जाके देखते हैं नट ड्राइवर आता है। यहाँ पे देखिए आगे एक सॉकेट है छोटे छोटे नट वगैरह खोलने के लिए, जिसका हेक्स हेड है, ये नट ड्राइवर यूज होता है। ठीक है, अगला होता है नट रनर होता है। आप किसी नट को खोलना हो तो एक मशीन में या आप एक हैंडल में इसी स्क्रू ड्राइवर हैंडल में इसको पीछे लगा के इसको अलग अलग शेप साइज के नट खोल सकते हैं। इसके देखिए पीछे का सारा 6 mm हेक्स है और आगे का साइज चेंज होता रहता है, तो ये नट रनर कहलाता है। उसके बाद आ गया फ्लेक्सी हेड सॉकेट्स। फ्लेक्सी हेड सॉकेट्स क्या होते हैं, इसमें जो पीछे का जो सॉकेट्स लगा होता है किसी एक तरफ या दोनों तरफ हो सकते हैं, ये क्या होता है आगे नीचे एंगल एंगल पे घूम सकते हैं यूनिवर्सल ज्वाइंट की तरह, तो ये भी फ्लेक्सी हेड सॉकेट्स में आता है। ठीक है, ये भी सॉकेट्स का एक टाइप है। इसके अलावा आते हैं एक, आपने इस टाइप के कहीं ना कहीं देखे होंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोफुट सॉकेट। एक्चुअली ये रिंच है बट ये सॉकेट की फॉर्म में भी आता है, तो मैंने सोचा यहाँ पे मेंशन किया जाए। ठीक है, ये इस टाइप से ये है आपका एक्सटेंशन में लगा के या नहीं तो डायरेक्टली रैचेट हैंडल में लगा के यूज होता है। ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे स्पेस का दिक्कत हो। अब मान के चलिए थोड़ी देर के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान चलिए यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, तो ऐसे टेप में क्या करेंगे इसको ऐसे करके लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करके लगा के फिर इसको घुमाएंगे, जैसे ये वाला यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, ये सब चीज़ें। तो यही है ओवरऑल सॉकेट्स के बारे में। आपने अलग अलग टाइप्स के सॉकेट्स देखे होंगे, मैंने सारा कवर किया यहाँ पे। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।